हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। यूजुअली बच्चों को लगता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है और नीचे लिखा होता है कि एग्जाम्स में नहीं आएगी तो इसको नहीं करना, बट ऐसा नहीं है। 10th क्लास बोर्ड्स परस्पेक्टिव से आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है हर एक चैप्टर की, बट जिसकी इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू। एंड इस जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसकी ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 questions आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म इसकी पहली नेगेटिव टर्म है वो आपको बताना है, ठीक है? तो कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है इसके लिए, अब कौन सी टर्म बोला है तो ए एन यानी कि पूछा हुआ है, नेगेटिव टर्म बोला है तो यहाँ पे हिंट में ही देखो आपको दे रखा है कि लेस देन जीरो। ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म है तो वो लेस देन जीरो ही होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये एपी थी, एपी में दे रखा है तो फर्स्ट टर्म आपकी 121, डी आपके पास क्या है 117 माइनस 121 यानी कि डी माइनस 4। अब आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है यानी कि ए एन शुड बी लेस देन जीरो। अगर ए एन लेस देन जीरो है तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो लेस देन जीरो हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू डाल देंगे 121 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू डाल देंगे माइनस 4। 121 4 माइनस 4 इंटू एन माइनस 4 एन माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 लेस देन जीरो हो गया। 121 प्लस 4 125 माइनस 4 एन लेस देन जीरो हो गया। ये माइनस 4 एन जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 4 एन हो जाएगा, तो 125 लेस देन 4 एन हो गया। अब देखो एन की तरफ ग्रेटर देन का साइन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ n की तरफ ग्रेटर देन का साइन 125 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 31.25 आ जाएगा। तो ग्रेटर देन बोला ना, इससे इक्वल टू तो नहीं है, तो जब इससे ग्रेटर देन है यानी कि इससे अगला वाला नंबर, तो इससे अगला वाला नंबर 31.25 राउंड ऑफ करके अगला वाला नंबर क्या आ जाएगा 32, तो n की वैल्यू 32 हो जाएगी। यानी कि इस सीरीज में जो 32nd नंबर पर टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी इस सीरीज में, बाकी सब पॉजिटिव है। आगे जाके 32nd नंबर पे जो टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ द एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। अब थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का सम यानी कि A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 दे रखा है, प्रोडक्ट उन दोनों का A3 इंटू A7 आपको 8 दे रखा है, और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आपको निकालनी है। तो यहाँ पे A3 प्लस A7 आपको 6 दे रखा है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A7 की वैल्यू A प्लस 60 इज इक्वल टू 6, A प्लस A 2A, 2D प्लस 60, 8D इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 एंड A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 40। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, A3 A प्लस 2D, A7 A प्लस 60 इज इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या डाल देंगे 3 माइनस 4D, यहाँ पे प्लस 2D आ गया, यहाँ पे भी एक ही जगह 3 माइनस 4D प्लस 60, तो 3 माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4D प्लस 60 प्लस 2D हो जाएगा। तो एक तरीके से ये a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4D स्क्वायर उधर आके प्लस हो जाएगा, तो D स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 9 माइनस 8 1 बाय 4, तो यहाँ पे D स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। जब अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस साइन साथ में लगता है। अब यहाँ पे आपके पास D की दो वैल्यूज आ गई, या तो प्लस 1/2 होगी या माइनस 1/2 होगी। तो पहला केस ले लेते हैं, अगर D प्लस 1/2 होगा, अगर D प्लस 1/2 है तो A निकाल लेते हैं, A की वैल्यू 3 माइनस 4 D की जगह प्लस 1/2 यानी कि A की वैल्यू 16। तो आपको S16 भी निकालना था, सम ऑफ 16 टर्म्स, तो सम ऑफ 16 टर्म्स भी निकाल लेते हैं, N/2 यानी कि 16/2 2a, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 16 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 1/2। तो आपने सॉल्व किया, s16 आपके पास 76 आ गया। बट दूसरा केस क्या है, अगर d माइनस 1/2 है तो a की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 4 d की जगह माइनस 1/2 यानी कि a की वैल्यू 5 आ गई। a 5 आ गया तो अब आप s16 निकालेंगे यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो s16 आपके पास कितना आ गया 20, ठीक है? तो इसमें दो केसेस बनेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
अ लेडर हैज 25 सेंटीमीटर रंग अपार्ट रंग्स. अब लेडर है एक, जैसे आप ये पूरी की पूरी लेडर ले लो, इसके बीच में रंग्स का मतलब ये जो एक एक जो डंडी है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, टोटल 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मतलब सेम डिफरेंस चल रहा है. तो ये डी क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस 25 सेंटीमीटर. द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. अब टॉप से बॉटम मतलब आप देखो यहाँ से 45 सेंटीमीटर बॉटम से लेकर टॉप तक वो ऐसे डिक्रीज होती जा रही है इनकी विड्थ. इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो बॉटम वाला रंग है और जो टॉप वाला रंग है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2/1/2 मीटर्स है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. अब ये जो रंग्स यानी कि जो बीच में डंडे लगाने हैं इनके लिए कितनी लकड़ी चाहिए वो आपको बतानी. अब वो तो तभी बता सकते हैं ना अगर हमें ये पता हो कि कितने रंग्स लगे हुए हैं इसके बीच में, यहां से लेके यहां तक, स्टार्ट यहां से हो रहा है एंड यहां पे हो रहा है, बट बीच में कितने रंग्स लगे हुए हैं वो पता करने हैं. तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ रंग्स पहले पता करने हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास 2/1/2 मीटर्स है, अगर मैं इसको करूँ 2 × 2 = 4 + 1 5/2, अब 5/2 मीटर्स है बट इसको सेंटीमीटर्स में करना है तो इनटू हम 100 करते हैं, ठीक है. तो आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी कि 5 × 50 250 सेंटीमीटर्स आ गया. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बेसिकली कितना है, 250 सेंटीमीटर्स. तो जितना टोटल डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हर एक रंग के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर का है. तो पूरे 250 को 25 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 10 बनता है. प्लस वन हमने साथ में करना है, प्लस वन क्यों करना है, जब आप यहां से यहां तक का डिफरेंस ले रहे हो 25 25 25 25 का, तो या तो एक वाला रंग जब डिफरेंस लेते हैं ना तो एक रंग या तो ये छूट जाता है या फिर ये छूट जाता है, तो एक रंग छूट जाता है इसलिए उसको बाद में एंड में प्लस वन करना पड़ता है. तो नंबर ऑफ रंग्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 250 डिवाइड बाई 25 प्लस वन. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स 2/1/2 मीटर्स, ये 250 कैसे बना, 5/2 मीटर्स बना, इनटू 100 कर देंगे तो ये 250 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है. अब नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है, दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25 है, डिवाइड करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो आपके पास इसको कैंसिल करेंगे 10 10 + 1 11, तो 11 रंग्स है. अब वुड निकालनी है तो मतलब टोटल 11 रंग्स की वुड निकालनी, यानी कि S11 आपको निकालना है. अब S11 निकालना है तो आपके पास दो फॉर्मूला, एक तो n/2 2a + n-1 × d, एक बार n/2 a + cn. तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट एंड लास्ट रंग पता है, हमें पता है कि वो 45 से शुरू हो रहा था, लास्ट 25 तक जा रहा था. तो 45 जहां से शुरू हो रहा था वो a1 हो गया और लास्ट 25 जहां पे जा रहा था वो an हो गया. तो हम an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a + an, n आपके पास 11/2 है, a की वैल्यू आपके पास 45, an की वैल्यू आपके पास 25. अब सॉल्व करेंगे 385 सेंटीमीटर्स, यूनिट जरूर लिखना क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ वुड पूछा है, यानी कि 385 सेंटीमीटर्स आपके पास आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49. एक रो में हाउसेज हैं, उनकी नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 49 तक. शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट. मतलब एक्स से पहले वाले जो घर होंगे वो किसके बराबर होंगे, जो x के बाद वाले घरों का टोटल होगा. तो आपको फाइंड x निकालना है. अब समझते हैं इसको, मान लो आपके पास 1 से लेके 49 तक घर है, बीच में कोई एक घर है जिसका x है, वो कह रहे हैं x से पहले वाला घर. अब x से पहले वाला घर x-1 होगा, एक पहले होगा ना, x में से 1 माइनस कर दो तो ये नंबर रह रहा होगा उसका. मतलब अगर मान लो x 13 है तो उसके पहले वाला 12 होगा ना, 1 माइनस करके ही आया. तो बीच में x आ रहा है घर, उससे पहले वाला घर, मतलब उससे पहले वाले घर तक जो सम ऑफ हाउसेज होंगे वो किसके बराबर होंगे, x के बाद वाले घर तक जो सम ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस, ये इसके बाद वाले घर के बराबर होंगे, ठीक है. अब कैसे करना है इस चीज को, देखो x का बाद वाला घर क्या हो जाएगा, x प्लस वन, अगला ही होगा ना 1 + 1. अब x की वैल्यू किसके बराबर है, इससे पहले वाले घर जो है वो किसके बराबर है, x के बाद वाले घरों के टोटल के बराबर है,
ठीक है। अब x के पहले वाले घरों का टोटल मतलब सम, सम क्या बोलेंगे, 1 से लेके x माइनस 1 तक टर्म्स है, तो यानी कि 1 से लेके x माइनस 1 यानी कि टोटल x माइनस 1 टर्म्स हो गई, तो आप सम ऑफ x माइनस 1 की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू। अब x के बाद वाले घरों को क्या बोलेंगे, अब देखो x से लेके 49 तक घर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटल 49 घर होंगे, 49 तो तब होंगे अगर हम 1 से लेके 49 तक काउंट कर रहे हैं, बट हम कहीं बीच में से ले रहे हैं, तो बीच में से जब 49 है तो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x के बाद वाले घरों को यानी कि x प्लस 1 से 49 वाले घरों को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे 49 घरों में से माइनस कर देना है कितना, x घर, तो आपके पास x प्लस 1 से 49 घर आ जाएंगे, पूरे 49 घरों में से हमने ये x घर माइनस कर देने हैं, तो x प्लस 1 से 49 आ जाएंगे, तो वही लिखेंगे s ऑफ 49 यानी कि पूरे 49 घर में से माइनस कर दिया s ऑफ x, 1 से लेके x घर माइनस कर दिए यानी कि s ऑफ x घर माइनस कर दिए, तो क्या बचा आपके पास, x प्लस 1 से 49 घर, बात तो वही हो गई, तो बेसिकली आपको वही बोला है कि x के पहले वाले जो घर हैं वो x के बाद वाले घरों के टोटल के बराबर है, x के पहले वाले घर का टोटल क्या है, 1 से लेके x माइनस 1, तो हमने लिख दिया s x माइनस 1, x के बाद वाले घरों का टोटल क्या है, x प्लस 1 से लेके 49, तो x प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, बीच में से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 49 घरों में से अगर हम x घर माइनस कर दें, तो यही बात हुई, तो उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास आता है इसको सॉल्व करना, अब सॉल्व करना तो देखो sn का ही फॉर्मूला लगाना है, n by 2 2a plus n minus 1 into d, तो sn अगर यहाँ पे n की जगह x minus 1 दे रखा है, तो वही लिखूंगी n by 2 की जगह x minus 1 by 2, 2a plus n यानी कि x minus 1 minus 1 into d इज इक्वल टू 49, तो n 49 है, n by 2 2a plus n minus 1 into d माइनस एस एक्स, एन की वैल्यू क्या है x, तो x बाय 2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, यही आपका हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं x माइनस 1 बाय 2 2a, अब x माइनस 1 में a क्या होगा, 1 से लेके x माइनस 1 तक जा रहा ना, तो ये तो पहली टर्म होगी 1, प्लस x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2 हो गया, d क्या होगी 1 2 3 4 करके ऐसे जा रहा है, तो एक एक करके घर बढ़ रहा है, तो d 1 हो गया, इज इक्वल टू 49 बाय 2 2a की वैल्यू 1 48 d की वैल्यू 1 माइनस x बाय 2 2a की वैल्यू 1 x माइनस 1 d की वैल्यू 1। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे x माइनस 1 बाय 2 तो आ गया, ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ x बचा, इज इक्वल टू 49 बाय 2 2 प्लस 48 50 हो गया, माइनस x बाय 2 ऐसे रहने दिया, 2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस है बाहर, 2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 2, यहाँ पे इसके साथ भी 1 बाय 2 आ रहा है, इसके साथ भी 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 49 इंटू 50 2450 माइनस x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस x, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस x आ गया 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x। अब ये माइनस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2450। अब एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2450 को 2 से डिवाइड करेंगे 1225, एक्स निकालना है तो अंडर रूट 1225, अब 1225 किसका अंडर रूट होता है 35 का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस टर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x आपका नंबर ऑफ हाउसेज है, ठीक है, तो ये माइनस में नंबर ऑफ हाउसेज नहीं हो सकते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 35 ही आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से एक बार समझना, अगर आपको ये वाला लॉजिक ऊपर समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये फिगर से आप समझ के देखना। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Each a small terrace at the football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and a build of solid concrete. अब यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसके ऐसे स्टेप्स बन रखे हैं, ठीक है, हर स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है, लेंथ उसकी 50 मीटर है, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1.2 मीटर, मतलब हर स्टेप 1.4 मीटर की हाइट से बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेप 1 बाय 4 मीटर की हाइट से बढ़ रहा है, तो अगला स्टेप 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 हो जाएगा 2 बाय 4,
फिर अगला अगर थर्ड स्टेप देखती हूँ तो वो 2/4 में 1/4 प्लस हो जाएगा, मतलब हर स्टेप में 1/4 हाइट बढ़ती जा रही है। और ट्रेड तो वही है, चौड़ाई चौड़ाई तो एक जैसी रहेगी ना, यहाँ पे 1/2 है, हर सीढ़ी की चौड़ाई तो एक जैसी होती है तो 1/2 ही रहेगी। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब ये जो टेरेस बनाने में टोटल कितने कंक्रीट लगेगा वो आपको बताना। अब देखो हर एक सीढ़ी पे कंक्रीट लग रहा है, टोटल कितनी सीढ़ियां हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो आपके पास 15 स्टेप्स है, तो 15 सीढ़ियों पे कितना कंक्रीट लग रहा है वो आपको बताना है, यानी कि हमें टोटल ऑफ 15 सीढ़ियां निकालनी है, यानी कि S15 निकालना है। S15 के लिए हमारे पास A1, A2, A3 होना चाहिए ताकि हम D निकाल सके। तो पहले A1, A2, A3 वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप हर एक स्टेप का निकाल रहे हो, स्टेप का मतलब क्या होता है, हर एक स्टेप का अगर कंक्रीट देखना है तो उसमें कितना वॉल्यूम लगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हर एक सीढ़ी देखें तो कौन सी शेप में होती है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आप यही कर देंगे, तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हर सीढ़ी जो राइज हो रही है वो तो 1/4 से राइज हो रही है, चौड़ी कितनी है 1/2 है, लेंथ हर सीढ़ी की 50 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों पैरामीटर्स को, तो आपके पास 25/4 मीटर क्यूब आ गया, क्योंकि हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया, यानी कि ये आपका A1 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड सेकंड स्टेप बिल्ड करने के लिए, अब देखो 1/4 पहली सीढ़ी की हाइट थी, अगली बार फिर से 1/4 बढ़ गया होगा, यानी कि 2/4 हो गया, इंटू चौड़ा तो उतना ही रहा, लेंथ भी उतनी ही रही, सॉल्व करोगे तो 50/4 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया सेकंड स्टेप का, यानी कि ये A2 की वैल्यू आ गई। थर्ड निकालना है, अब लेंथ पहले की 2/4, मतलब राइज कितना हो रहा था 2/4 हो रहा था, अभी फिर से 1/4 प्लस हो जाएगा, तो 2/4 प्लस 1/4 3/4 हो गया, चौड़ा उतना ही रहा, लंबा उतना ही रहा, तो आपके पास 75/4 मीटर क्यूब आ गया, ये आपकी A3 की वैल्यू आ गई। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, D, बिकॉज D की वैल्यू हमारी होती है A2 - A1, तो 50/4 - 25/4 25/4 आ गया। अब A भी आ गया हमारे पास, D भी आ गया, तो S15 निकालना है, टोटल ऑफ 15 स्टेप्स, तो N/2 यानी कि 15/2 2A, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी थी यहाँ पे 25/4, तो 2A प्लस N-1 इंटू D भी कितना है 25/4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 25/2, 15-1 14 × 25/4 कैंसिल करोगे तो 350/4, आप कैंसिल करोगे तो 175/2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो 25 + 175 200/2 आ जाएगा, कैंसिल कर दोगे 750 मीटर क्यूब, यानी कि टोटल 15 सीढ़ियों को बनाने के लिए जो आपको कंक्रीट लग रहा है वो 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लग रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सरसाइज है 5.4 ये आपके सैटरडे के टेस्ट में नहीं आने वाली, वैसे भी मैंने आपको बता ही रखा है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, आपके कुछ डाउट्स थे एग्जाम्पल्स के जो सैटरडे के टेस्ट में आने हैं, तो वो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। मतलब आपको फर्स्ट 14 टर्म्स का सम अगर, यानी कि S14 अगर आपको 1050 दे रखा है, फर्स्ट टर्म 10 यानी कि A की वैल्यू 10 दे रखा है, तो आपको 20th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 20th टर्म निकालनी है तो हमारे पास D होना तो जरूरी है, क्योंकि 20th टर्म निकालने के लिए A20 = A+19D होता है, A तो है, D नहीं है, तो D किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस SN के फॉर्मूला से, तो SN का फॉर्मूला N/2 2A + N-1 × D। S14 का कितना है टोटल 1050, N की वैल्यू 14/2, 2A की जगह 10 प्लस 14 - 1 कितना हो जाएगा 13D, तो 1050 की वैल्यू 140 + 91D आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको आगे देखेंगे तो 910 = 91D, D की वैल्यू 910 / 91D 10 आ गया, D 10 आ गया, तो आपको A20 निकालना है, आपको A20 का फॉर्मूला पता है A + 19D, तो A की वैल्यू 10, 19D की वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे आपके पास 200 आ जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल नंबर 14 भी डाउट था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो कहने का मतलब फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं ना, 1000 तक लेके जाना है, 1 + 2 + 3 ऐसे करके 1000 तक गए होंगे वो,
तो यहाँ तक का सम निकालना है। अब सम निकालना है तो हमें एन तो पता है ना कि 1000 का निकालना है, यानी कि एस 1000 निकालना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, उससे भी निकल जाएगा, या फिर आप छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो एन बाय टू ए प्लस एल, एल लिख लो चाहे ए एन लिख लो, बात तो एक ही है। तो एन बाय टू यानी कि 1000 बाय टू, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है 1, एल एल हो या ए एन हो, जो हमें लास्ट नहीं पता वो हम टर्म लिख लेते हैं, दैट इज 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स, ठीक है। सेकेंड आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, कुछ फर्क नहीं है, बस देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1000 तक बोला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है एन, बताया ही नहीं है, तो मतलब लास्ट वाली टर्म की वैल्यू आपने क्या लेनी है एन। फॉर्मूला वही लगाना है, एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो चाहे ये इन्होंने, आप ऐसे फॉर्मूला लिख लो ना, आपके पास ये फॉर्मूला ए प्लस ए एन, तो एन की वैल्यू तो आपके पास एन ही है अपॉन टू, ए की वैल्यू वन है, ए एन लास्ट टर्म इस सीरीज की क्या है, लास्ट कहाँ तक जा रहा है एन तक जा रहा है, तो आपने यहाँ पे एन निकालना है, तो आपके पास यही आ गया जो इन्होंने लिखा है एन प्लस वन इंटू एन बाय टू, ये सम ऑफ एन टर्म्स होता है। ये वैसे भी आपका फॉर्मूला है, अगर कभी भी आपको फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालना है, यानी कि s 24 आपको बोला हुआ है। देखो s 24 निकालना है, फॉर्मूला होता है n बाय टू, n दिया हुआ है, 2a प्लस n माइनस 1 इन टू डी, ए भी नहीं है डी भी नहीं है, तो पहले ए और डी कहां से निकालेंगे जब आपको nth टर्म दे रखी है, ए एन दे रखा है ना 3 प्लस 2n, तो nth दे रखा है, तो यहीं से a1 a2 a3 सब कुछ निकल जाएगा, करना क्या सिर्फ n की जगह 1 पुट करेंगे। अगर आपने n की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, तो a1 हो गया यानी कि 3 प्लस 2, a की जगह 1, तो यानी आपके पास a1 कितना आ गया 5। अगर मुझे a2 निकालना है तो लेट n इज इक्वल टू 2, तो a2 आ जाएगा 3 प्लस 2, n की जगह 2, टोटल करके 7 आ गया। अगर मुझे 3 निकालना है तो लेट n इज इक्वल टू 3, तो a3 3 प्लस n की जगह 3 डालेंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आपके पास a1 a2 a3 आ गया, तो d भी निकाल सकते हैं, d कैसे आ जाएगा 7 माइनस 5 या फिर 9 माइनस 7 या 11 माइनस 7, हर एक का आंसर कितना आ रहा है d2, क्योंकि ap बन रही है। तो आपके पास s 24 निकालना है तो क्या होगा n बाय 2, n क्या है 24 बाय 2, 2a, a की वैल्यू फर्स्ट क्या आपके पास 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, 12 इंटू 10 प्लस 46 672 आपके पास आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 16 भी आपका डाउट था, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। अब यहां से उन्होंने क्या वैल्यू दे रखी है, थर्ड ईयर यानी कि A3 की वैल्यू 600 दे रखी है, सेवेंथ ईयर यानी कि A7 की वैल्यू 700 दे रखी है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, मतलब हर साल प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली ही बढ़ती आ रही है, तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन क्या होगी, यानी कि आपको ए निकालना है। तो इसी से निकालते हैं ना, A3 की वैल्यू 600, A7 की वैल्यू 700, तो A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D 600, A7 को A प्लस 60 700। आप इसको एलिमिनेशन कर दो, यहां से कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मैं इधर लिख रही हूं माइनस 4D इक्वल टू 600 माइनस 700, माइनस 100 माइनस से माइनस कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 25, डी 25 आ गई, तो चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे डी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल दो, आपके पास ए आ जाएगा 550, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन होगी वो तो 550 होगी। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब A10 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर A10 की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है A प्लस 9D होता है, A आप निकाल चुके हैं 550 प्लस 9D भी आप निकाल चुके हैं 25, तो सॉल्व करेंगे 775। फिर आपको बोला टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, जब टोटल बोला हुआ है यानी कि सम निकालना है किसका, 7 ईयर्स का, यानी कि S7 निकालना है, तो S7 का फॉर्मूला आपको पता है n बाय 2 यानी कि 7 बाय 2, 2a a की वैल्यू डाल दी, 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करेंगे तो 4375 यानी कि टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स 4375 आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स के डाउट थे। एक और डाउट है, क्वेश्चन नंबर 15 में
आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको ए एन फाइंड आउट करना है या फिर एस एन फाइंड आउट करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है कि कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने टाइमली कंप्लीट नहीं किया तो, जैसे 200 फर्स्ट डे के लिए, 250 सेकेंड डे के लिए, 300 थर्ड डे के लिए, ऐसे ऐसे करके पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो आपको पूछा क्या है, हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने 30 डेज तक काम डिले कर दिया तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 डेज, अब मैंने आपको करवाया कि S30 निकालना है, बट कईयों को कंफ्यूजन है कि S30 ही क्यों निकालना है, हमें A30 क्यों नहीं निकालना, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो जब भी टोटल होता है ना, उन्होंने बोला है कि 30 डेज तक उसने काम नहीं किया, मतलब हमें 30 डेज का टोटल निकालना है। ठीक है, तभी हमें पेनल्टी पता लगेगी ना, कि 30 डेज तक अगर लगातार उसने काम नहीं किया तो उसको कितना पैसा पे करना है, यानी कि 30 डेज यानी कि टोटल निकालना है। तो हम टोटल निकालते हैं तो हम S30 बोलते हैं। अब A30 कब होता, अगर वो ये पूछते कि 30th डे पे क्या पेनल्टी पड़ती। ठीक है, A30 का मतलब क्या होता है कि 30th नंबर पे क्या वैल्यू है। ठीक है, आप जैसे इसको लिखते हो, अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं तो अगर आप A30 लिखते हो और S30 लिखते हो, S30 का मतलब होता है 1, 2, 30 टोटल, इन सबका टोटल। 30 बोलती हूँ यानी कि ऐसे नंबर्स चल रहे थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 30 तक नंबर चल रहे थे। तो 30th नंबर पे आपकी, यानी कि 30th नंबर पे वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम A30 तब निकालते हैं जब आपको 30th डे का पूछा होता, बट यहाँ पे पूछा है कि अगर 30 डेज तक लगातार काम ना करती, यानी कि टोटल ऑफ 30 डेज कितनी पेनल्टी पड़ जाती, इसीलिए हमने S30 निकाला। ठीक है, सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। सो आपको पता है कि आपका टेस्ट कितना है, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट है, प्लस आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 की एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11 से लेके एग्जाम्पल नंबर 16 तक। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट, तो ये आपने कर लेने हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।